हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में हिंदी में कैसे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल ओपन करना है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल का यहाँ पे आइकन दिया हुआ है। इस पर डबल क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका आइकन शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, विंडो के साथ आर प्रेस करना है तो रन विंडो ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है CTRL कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ से भी आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लैंग्वेजेस में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी इंग्लिश लैंग्वेज शो कर रहा है। अदर लैंग्वेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड ए लैंग्वेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, हमें यहाँ पे हिंदी ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे शो कर रहा है, हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है और ऐड पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप टास्क बार में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज शो कर रहा है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी शो कर रहा है। तो हम जिस भाषा में लिखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ लिख के देख लेते हैं, हमें क्या करना है, वर्ड पैड ओपन कर लेते हैं। विंडो आर और WRIT राइट लिख के क्लिक करना है तो यहाँ पे वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारा वर्ड पैड ओपन हो गया है। तो वर्ड पैड ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एरियल फॉन्ट शो कर रहा है, और नीचे आप टास्क बार में देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है अभी। तो अभी यहाँ पे हिंदी भाषा सेलेक्ट करने के हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। एक तो हम यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमें विंडो के साथ स्पेस प्रेस करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारी लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपको ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप टास्क बार में देख सकते हैं हमारी लैंग्वेज चेंज हो रही है जैसे ही हम ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं। तो अगर हम इसे चेंज करते हैं, यहाँ से हिंदी पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट है एरियल की जगह अभी अपराजिता हो गया है, मतलब हमारी लैंग्वेज अभी हिंदी सेलेक्ट है। तो अगर आपको अब हिंदी टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है तब भी आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमें यहाँ पे दोबारा से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद विंडो के साथ आर प्रेस करना है तो यहाँ पे हमारा रन विंडो ओपन हो जाता है। अब हमें यहाँ पर OSK टाइप करना है। OSK मतलब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, उसके बाद एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाता है। अब हमें यहाँ विंडो के साथ स्पेस प्रेस करना है या फिर आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी करने के लिए। तो चलिए अब विंडो के साथ स्पेस प्रेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी आ गई है। अब आप माउस से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मानव शो कर रहा है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने मानव टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे गुरुजी टाइप करके देख लेते हैं एक बार। देखिए आप माउस से यहाँ पे हिंदी में टाइप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सभी लेटर आपके शो नहीं हो रहे तो आप शिफ्ट पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके और भी लेटर शो हो रहे हैं, आप इनमें से भी टाइप कर सकते हैं। तो अभी इसे क्लोज कर देते हैं। तो आज आपने सीख लिया है हम हिंदी में कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टाइप कर सकते हैं। ऐसे ही सीखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियोज़ देखते रहिए। हम एक बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।